ग्वालियर के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सर्वोदय अस्पताल ने नई पहल शुरू की है। सर्वोदय अस्पताल हर महीने के तीसरे बुधवार को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में वरिष्ठ रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव सेठ की निशुल्क ओपीडी परामर्श की सुविधा मुहैया करवा रहा है। सर्वोदय हॉस्पिटल में सिस्टमेटिक ऑटो इम्यून के लिए निःशुल्क परामर्श मिलेगा। डॉक्टर गौरव सेठ ने जानकारी देते हुए बताया कि सिस्टमेटिक ऑटो इम्यून बीमारियों का एक समूह जहाँ किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम शरीर के जोड़ों पर हमला करती है, उनका इलाज रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। आमतौर पर यह शरीर के उन क्षेत्रों में सूजन पैदा करता है जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं होती है। दर्द, सूजन और शरीर के अन्य अंग खराब करने जैसी समस्याएं इससे होती हैं। ये रोग शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये बीमारी किसी भी उम्र में और किसी को भी हो सकती है। इसका इलाज समय पर नहीं किया गया है तो परिणाम बहुत गंभीर आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और डिले होने पे तब तक वो डैमेज करने लग जाती हैं चीज़ें, जो ऑटोइम्यून बीमारियाँ वो खराब होने लग जाती हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट राइट अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए, कम से कम उस ट्रीटमेंट जो है जल्दी से जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपका डायग्नोसिस सही है तो पेशेंट को रिलीफ भी बहुत जल्दी मिलने लग जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ, इस बीमारियों के साथ ये प्रॉब्लम है कि इलाज लंबा ही चलता है, मैक्सिमम टाइम नहीं देखा गया है। लंबा इलाज चलता है और लंबा इलाज चलने से पेशेंट को सहूलियत रहती है, उसके जो जॉइंट डैमेज है वो कम हो जाते हैं, लाइफ अच्छी बन जाती है। कई बीमारियां होती हैं जो अपने आप ठीक हो जाती हैं, जो इन्फेक्शन के कारण गठिया होती है। जैसे आपने चिकनगुनिया आर्थराइटिस के बारे में सुना होगा, चिकनगुनिया जो है अगर ठीक हो गया तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। वैसे रिएक्टिव आर्थराइटिस बीमारियां होती हैं जिसकी जो है बॉडी जो है इन्फेक्शन को लेकर रिएक्ट करती है, जोड़ों के अंदर घुटना सूज जाता है, वो अपना इन्फेक्शन जब बॉडी से निकलता है तो वो भी ठीक हो जाता है। दवाइयों की वजह से अगर आर्थराइटिस है, दवाइयां बंद कर दो तो आर्थराइटिस गायब हो जाती है। लेकिन कई आर्थराइटिस होते हैं जो लंबे चलते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।